आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक बीघे जमीन में। सर आप सिर्फ ये बता रहे हो सर, ऑर्डर की कॉपी है कोई बता रहे हैं खरीद के बनाया भैया। तो अभी उसको क्या होगा भैया? तो गाड़ी में ये जिस समय आप बनाना शुरू कर रहे थे तब कोई अधिकारी आया था? आया भैया, पुलिस वाले आए, हमने पैसा भी दिए बनाने के, पैसा भी दिए हमने पुलिस वाले को बनाने के। कितने दिन हुए इसको काम करते हुए? एक साल हो गए भैया, बनाते बमाली बाउंड्री को था, एक साल हो गए, हम तो बर्बाद हो गए भैया, हम तो बर्बाद हो गए। बुराड़ी इलाके के केशव नगर में आज प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया। आप देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो डीडीओ द्वारा की जा रही है और डीडीओ पुलिस बल के साथ यहाँ पर जो है पहुंची है और लगातार पीला पंजा जो मकान बनाए जा रहे थे उस पर चलाया जा रहा है। जब जो आसपास के लोग हैं या जिसका ये मकान है उन्होंने डीडीओ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनसे जवाब मांगा, परमिशन लेटर और ऑर्डर की कॉपी मांगी, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है, तो अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही जो अधिकारी हैं डीडीओ के वो कैमरे पर भी कुछ बोलते हुए वो दिखाई दिए, सीधे तौर पर डसते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है, किस तरीके से और क्यों इस जगह पर डेमोलिशन किया जा रहा है, अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ जो सड़क जगह बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया पूरी तरीके से और साथ साथ जो मकान है उसको तोड़ा गया है और उसके जो लेंटर है उसको काट करके उसको तोड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया गया, जो अब कहीं ना कहीं किसी बड़े हादसे का भी कारण बन सकता है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो अगर अंदर जाते हैं, अगर कोई लेबर यहाँ काम करती है तो कभी भी ये जो आधा टूटा हुआ मकान है इसका कुछ हिस्सा गिर सकता है और उससे बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। यहाँ जो डेमोलिशन की कार्रवाई लगातार अधिकारियों द्वारा की जा रही है और डीडीओ द्वारा लगातार जो की जा रही है वो किस वजह से हो रही है, क्या ऑर्डर की कॉपी है, क्या उनको शिकायत मिली थी, ये ना तो मीडिया को बताने को तैयार है और ना ही यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो जो पूछ रहे हैं तो उनको भी कोई जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों को सीधे तौर पर यह आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया गया कि जिस समय में मकान बनना शुरू होता है, जिस समय में यहाँ पे कॉलोनी कटती है तब कोई भी अधिकारी नहीं आता है, किसी से इनकी बातचीत जो है वो नहीं करते हैं, कोई इनको शिकायत नहीं की जाती है, लेकिन जिस समय में यहाँ पर मकान बन के लाखों के रुपए लग जाते हैं, लोग जो है वो अपनी गाड़ी कमाई लगा देते हैं, उसके बाद जो अधिकारी आते हैं वो इस तरीके का डेमोलिशन करते हैं जिससे सीधा नुकसान जो है वो लोगों का होता है, गरीब जो लोग अपने जीवन भर की कमाई लगाते हैं उनका होता है। और इस तरीके की कार्रवाई जब कोई जवाब भी ना दे अधिकारी तो वो कार्रवाई कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में जरूर दिखाई देती है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली